फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज 12 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 नवंबर को। प्रतिवर्ष 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में विज्ञान की भूमिका को शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में जानकारी दी जाती है। उल्लेखनीय है कि इस दिवस को साल 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया गया था। चलिए अब आपको नवंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिव्यू कराते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे यानी कि विश्व शहरीकरण दिवस, और 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा बैंक अपने मल्टीमीडिया अभियान RBI कहता है के प्रभाव का आकलन करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक अपने मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान RBI कहता है के प्रभाव का आकलन करने का फैसला किया है। बात करें अभियान के तहत बेसिक बचत बैंक जमा खाता अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक देता सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रयासों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधाएं, बैंकिंग लोकपाल योजना और साइबर सुरक्षा सहित अन्य पर संदेश लॉन्च किए गए हैं। चलिए अब आपको RBI के बारे में बताते हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई, प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर की बात करें सरस बॉन स्मिथ जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KJ उदेशी। इसकी लोगो पांथर एंड पाम ट्री है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरला। केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना और मछुआरा समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना है। चलिए अब आपको केरल के बारे में बातें। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कैपिल तिरुवनंतपुरम, फर्स्ट CM EMS नवोडी ब्राड, फर्स्ट गवर्नर बुरगुल राम कृष्ण राव, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट 14। केरल का हाईकोर्ट केरल में ही है। बात करें चीफ जस्टिस हैं यस मणि कुमार। बात करें केरल का क्लासिकल डांस है कथकली और मोनियट्टम। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, सांदी घाटी और अनामुडी 16। फूलों की घाटी की बात करें तो उत्तराखंड में है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में केरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रेल ब्लेजर्स। स्मृति मंदाना की कप्तानी बारी और गेंदबाजों की मदद से ट्रेल ब्लेजर्स ने 9 नवंबर 2020 को दो बार के चैंपियन सुपर नोवास को 16 रन से हराकर पहली बार महिला T20 चैलेंज जीत लिया है। ट्रेल ब्लेजर्स ने 8 विकेट पर 118 रन बनाए, लेकिन सुपर नोवास की टीम 7 विकेट पर 102 रन ही बना पाई। गौरतलब है कि साल 2018 में ट्रेल ब्लेजर्स की टीम रनर अप रही थी। सुपरनोवाज ने ट्रेल ब्लेजर्स को 3 विकेट से हराकर पहली बार महिला T20 क्रिकेट चैलेंज का खिताब
जीता था। वहीं 2019 में वेलोसिटी को 4 विकेट से हराकर सुपरनोवाज की टीम दूसरी बार चैंपियन बनी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 का सीजन हाल ही में किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने ड्रीम इलेवन इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आईपीएल 2020 सीजन अपने नाम कर लिया है। मुंबई जीत के लिए 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनके कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 51 गेंदों पर 68 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई। इससे पहले मुंबई ने आईपीएल 2019 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। इस जीत के साथ मुंबई अब इस खिताब को चेन्नई और सुपर किंग्स के बाद डिफेंड करने वाली। चलते हैं अब आपको ड्रीम इलेवन आईपीएल के कुछ इंपॉर्टेंट। रोहित शर्मा की बात करें तो आईपीएल 2020 के फाइनल में गेम चेंजर ऑफ द मैच चुना गया। ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल 2020 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने ऑरेंज कैप हासिल की। गेम चेंजर ऑफ द सीजन थे केएल राहुल। दिल्ली कैपिटल के खगिसो रबाडा ने पर्पल कैप जीता है। पर्पल कैप ने अधिक विकेट प्राप्त किए। बात करें सीजन के उभरते खिलाड़ी देवदत्त पडिकल जो कि आरसीबी के प्लेयर, राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जुफ्रा आर्चर ने मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का खिताब हासिल किया। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? बात करें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। हाल ही में कनाडा ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। स्वाइन फ्लू H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होता है। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है या सुअर पक्षी और मानव जीवन की एक संयोजन है जो सुअरों में एक साथ मिश्रित होते हैं और मनुष्य में फैल जाते हैं। चलिए चलते हैं अब आपको कनाडा के बारे में बताते हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी कनाडियन डॉलर। नेशनल लेक जुलाई। बिगेस्ट लेक है ग्रेट बियर लेक। हाईएस्ट माउंटेन माउंट लगान। नेशनल गेम है आइस हॉकी एंड लैक्रोसे। एनिमल है बिहेवियर। फ्लावर है मैफिलीप। पार्लियामेंट नेम है पार्लियामेंट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में कनाडा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में स्कूबी डू के सह निर्माता का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केन स्पियर्स। अमेरिकी टेलीविजन संपादक, लेखक और निर्माता केन स्पियर्स जो लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू के सह निर्माता थे, उनका निधन हो गया। वे दिवंगत जो रूबी की टेलीविजन एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी रूबी स्पेस प्रोडक्शंस के सह संस्थापक भी थे। स्पियर्स और रूबी ने साथ मिलकर स्कूबी डू, डेनोमोट, डॉग वंडर एंड जेबरजॉ जैसे कई अन्य कार्यक्रमों को बनाए थे। जो रूबी का हाल ही में 26 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। यह आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे केन स्पेयर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने एडलिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2020 में टॉप किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजीम प्रेम जी। विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी ने एडेलगिवा ह्यूरन इंडिया फिलंथ्रॉफी लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 75 वर्षीय उद्यमी ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपये का सबसे अधिक योगदान दिया। यह भारत के उन लोगों की सूची जारी करता है जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच परोपकारी कार्यों में 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक का दान दिया है। ACL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नादर सूची में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 2019 में इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया था। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर रहे। इस सूची में 7 महिलाओं को जगह मिली जिसमें रोडी नीले कड़ी भारत की सबसे नंबर 1 की महिला थी। चलिए चलते हैं आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जल केंद्र का उद्घाटन वर्चुअली किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। दोनों देशों के बीच जल से संबंधित अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आवासीय कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत की ओर से इस जल केंद्र का नेतृत्व IIT गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया की ओर से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ने किया। इसके समझौते के साथ अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 समझौते हो चुके हैं। चलिए अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल है 26 जनवरी। हाइस्ट माउंटेन है माउंट कोशिस्को। लार्जेस्ट ये 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। गेम्स ऑफ कैपिटल ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेशनल गेम है क्रिकेट। बर्ड ईमू। फ्लावर है काकिन है पाइकनाता। नेशनल फ्लावर है कंगारू। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में एटा नामक एक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में भूस्खलन से 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। एटा नामक तूफान के कारण हवाएं एवं मूसलाधार बारिश हुई। मध्य अमेरिकी देश में तूफान आने के बाद में यह उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस राज्य ने फसल अवशेषों को जलाने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने राज्य के कई हिस्सों में फसल के अवशेष जलाने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों से कहा कि वे अपनी फसलों के अवशेष को न जलाएं, लेकिन इससे खाद बनाएं। प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करने में कई स्वयंसेवक भी शामिल हैं। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट CM गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट प्रयागराज हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिल्ली और दिल्ली क्रिकेट संघ यानी कि DDCA का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शशि खन्ना जी को। शशि खन्ना को 9 नवंबर 2020 को दिल्ली में जिला क्रिकेट संघ DDCA का कोषाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। शशि ने इस पद के लिए पवन गुलाटी को 44 मतों से हराया है। DDCA के सहायक चुनाव अधिकारी SK मेदिनाथा ने यह घोषणा की। कोषाध्यक्ष पद के लिए शशि खन्ना को 895 मत मिले, जबकि गुलाटी को 851 मत मिले हैं। शशि खन्ना BCCI के पूर्व एक्टिंग अध्यक्ष CK खन्ना की पत्नी है, जबकि गुलाटी भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर के मामा जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से किस देश को हटाने का स्वागत किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूडान। हाल में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से सूडान को हटाने का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि सूडान के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक और खास हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूडान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटाने की औपचारिक सूचना सांसदों को भेजी थी। अमेरिकी और सूडान ने सितंबर में इसराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स की तरफ। रमेश लक्ष्मी नारायण को हाल ही में HDFC बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। बात करें असम राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत GI टैग दिए जाने की घोषणा की गई। यस हरेश, जो कि एक मलयालम लेखक हैं, JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। बात करें केरल राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना है। उत्तराखंड राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किया गया। बात करें पेट्रोनेट LNG का अगला नया अध्यक्ष AK सिंह बनेंगे। बात करें नागालैंड राज्य का हॉर्नबिल फेस्टिवल इस साल 1 से 10 दिसंबर को वर्चुअली मनाया जाएगा। विश्व रेडियो लाजी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया।
तमिलनाडु राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समिति में हाल ही में विदिशा मेहता जी शामिल हुई हैं। चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। रथ यात्रा का वृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुरी में। क्वेश्चन नंबर टू है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन रतन जी। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस देश ने एक ही रॉकेट से 13 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर टू है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC के तौर पर किसने शपथ ली है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart Studio सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।